और विरासत की धरा उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तर प्रदेश। आज का उत्तर प्रदेश मिसाल है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में विकास की, डबल इंजन सरकार के तहत रचते नित आयामों की। गरीब कल्याण से लेकर अभूतपूर्व स्तर पर होते इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की, जिसमें रेलवे भी है अहम भागीदार। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। बावन गंगा तट पर बसी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी प्रधानमंत्री जी के नए भारत के निर्माण के संकल्प की साक्षी है। बीते करीब 10 वर्षों से यहां विकास की अविरल गंगा बह रही है। आधुनिक सड़कें, स्वच्छ घाट, वर्ल्ड क्लास बनारस रेलवे स्टेशन, शहर का सौंदर्यकरण, ये सब संकल्पबद्ध विकास की वानगी पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज जुड़ रहा है नया अध्याय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है बलिया गाजीपुर सिटी रेलखंड के दोहरीकरण का लोकार्पण, जौनपुर जंक्शन जौनपुर सिटी स्टेशनों के मध्य नई बाईपास रेल लाइन का लोकार्पण और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन न्यू भावपुर जंक्शन नई रेल लाइन का लोकार्पण। इन रेल परियोजनाओं से जहां उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में ट्रेनों का परिचालन सुगम होगा, वहीं पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बिना किसी बाधा के व तेज गति से चल सकेंगी मालगाड़ियां और हो सकेगा कम लागत में अधिक माल का परिवहन, जिससे यात्रियों को सुविधा के साथ ही व्यापार और कारोबार में होगी आसानी। साथ ही आज हो रहा है मऊ जिले में इंदारा दोहरी घाट रेलखंड के गेज परिवर्तन का उद्घाटन, जिससे यह क्षेत्र कनेक्टिविटी और विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। वाराणसी स्टेशन पर आज रेल दावा अधिकरण वाराणसी का भी उद्घाटन हो रहा है। इससे वाराणसी एवं इसके आसपास के 17 जिलों को होगा लाभ। इसके अलावा वाराणसी से नई दिल्ली तक तीव्र एवं आरामदायक रेल कनेक्टिविटी का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है वाराणसी नई दिल्ली के मध्य दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। आज दोहरी घाट मऊ ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ हो रहा है। इस ट्रेन के चलने से सारनाथ, बनारस एवं प्रयागराज से रेल संपर्क स्थापित होगा और श्रद्धालुओं, व्यवसायियों एवं छात्रों को मिलेगी सुविधा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन से गुड्स ट्रेन और न्यू भावपुर जंक्शन स्टेशन से गुड्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवानगी हो रही है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पण। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 10,000वां लोकोमोटिव बनाकर एक इतिहास रचा है। इन रेल परियोजनाओं के लोकार्पण एवं नई रेल सेवाओं के संचालन से न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, बल्कि ये परियोजनाएं नए भारत के निर्माण की दिशा में भी भागीदार बनेंगी।